2 जून को कोडरमा के नवलसाही थाना क्षेत्र के रायडी पुल के पास अनाज कारोबारी शंकर साव की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामले में आरोपी पप्पू मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया है। पैसे लूटने की नियत से हत्या की गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मौका वारदात से मृतक की ऑटो, हत्या में इस्तेमाल चाकू और आरोपी पप्पू मेहता की चप्पल और टी शर्ट भी बरामद की है। मामले की अनुसंधान करते हुए पुलिस टीम ने तकनीकी शाखा और फॉरेंसिक टीम की मदद से आरोपी पप्पू मेहता तक पहुंच पाई। जून को रायडी मोड़ के आगे एक शव बरामद हुआ, शव मिला था रोड पे, जो शंकर साव का था। और सूचना मिलने के उपरांत छानबीन की, घटना की छानबीन के उपरांत वहाँ से एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ चप्पल बरामद हुआ और घटना से थोड़ी दूर पे जो चाकू का उपयोग हुआ था घटना में वो, और टी शर्ट बरामद हुआ, फटा हुआ टी शर्ट। उसके बाद छानबीन, घटना की छानबीन की गई और घटना का उद्भेदन करने के पश्चात पप्पू मेहता, जो फुलबरिया का रहने वाला है, उसका नाम सामने आया, जिसको आज गिरफ्तार करके भेजा गया। हत्या का मुख्य कारण क्या था सर? हत्या का मुख्य कारण पैसे का लालच था, और क्योंकि जो शंकर साव का पेशा था वो गेहूँ चावल खरीदना था, तो वो पैसे ले कर चलता था। और जो पप्पू मेहता था उसने उस पैसे को देख लिया था और उसका मन था कि वो पैसे। निरसा विधानसभा के मडमा पंचायत अंतर्गत हरिजन टोला में पीएचडी विभाग की तरफ से हर घर जल नल योजना के तहत पानी का नल लगाया जा रहा है, लेकिन कई घरों में नल के 2 कनेक्शन लगाए गए हैं और कई घरों में कनेक्शन ही नहीं दिया गया है, जिस कारण लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि आखिर यह भेदभाव और दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। जो बाहर के रहने वाले हैं उनको नल का कनेक्शन, और हम स्थानीय हैं तो हमारे साथ भेदभाव आखिर क्यों हो रहा है? हर घर में दिया जा रहा है, जबकि यहाँ पर एक कौंसलर दिया करते हैं जिनका शौचालय का भी बात हो रहा था। इनको हम जो जब लगाया जा रहा था, हम ठेकेदार को बार बार बोल रहे थे जो लगा रहा था उस समय कि इनको दिया जाए, तो बोलते हैं कि ये नहीं रहते यहाँ पर, तो इसलिए इनको अभी नहीं देंगे। ठीक है, हम बोले कि क्यों नहीं दीजिएगा, जब जो इंसान यहाँ नहीं रहता साल भर 2 साल से, उसको आप दे दिए, इनको कहे नहीं दीजिएगा, जबकि हमेशा मान लिया गाँव चले गए थे त्यौहार में। ठीक है, जबकि इनका शौचालय है, राशन कार्ड है, सब चीज़ यहाँ पर है। हाँ, वैसे व्यक्ति को ना देकर जो यहाँ का नहीं रहता है, वो मध्य प्रदेश का भी आया है, जो बहुरुपया रोग मांगते हैं, उन लोग को दे दिया गया अवैध तरीका से, और इनको जो यहाँ का निवासी है इनको नहीं दिया जा रहा, भेदभाव किया जा रहा। ठीक है, और आप ही लोग समझ सकते हैं कि किस स्तर से भ्रष्टाचार का ये हो रहा है और मनमानी तरीका से भेदभाव किया जा रहा है। क्या कुछ मांग करना चाहेंगे अधिकारियों से? अधिकारियों से यही कहना चाहेंगे कि इनको जल्द से जल्द माने दिया जाए, और जो अवैध तरीका से माने मनमाने तरीका से दिया जा रहा उसको रोक लगाया जाए, जो कि जो यहाँ का लाभुक है उनको सही में माने मिले। हमको तो मतलब बस पूरा मनमन में दे दिया, लेकिन यहाँ से मेरा घर को पार कर दिया, लेकिन मेरा घर में नहीं दिया है, गर्मी भी है, लेकिन नल नहीं दिया। हमको बोला कि मैंने तुम यहाँ नहीं है इसलिए तुमको नहीं दे रहे हैं, तुम नहीं रह रहा है इस बात के लिए बोला कि नहीं देंगे। जब पूछें तो बोला कि तुम गाँव चल गया इसलिए नहीं दे रहे हैं, और अब दे भी बोल पूछ भी रहे हैं तो, लेकिन नहीं दे रहा, अभी तक नहीं दिया है हमको। किस विभाग की तरफ से काम हुआ था? PWD से बोल रहा कि है उठो योजना उठो।